यार आप सभी का स्वागत है इस लटकते हुए गॉड ऑफ वॉर गेम के अंदर। और ये फिलहाल पार्ट नंबर 22 आई थिंक। इस वीडियो के अंदर हम पूरे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, जितना हो सके हर एक एरिया को कंप्लीट करेंगे। और शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी गड़बड़ के। ध्यान से करना पड़ेगा। Ready yourself. अरे यार, हम इसको अभी नहीं हरा सकते, इसका मतलब बाद में हराएंगे, थोड़ा और लेवल अप होने के बाद। बहुत ही बेकार शुरुआत इस वीडियो की। खैर जो भी हो, अब एक बार देखते हैं हमारे पास लड़ाई करने के लिए कौन कौन सी लोकेशंस हैं। सो यहाँ पे है एक रैम टियर इनकाउंटर, यहाँ पे एक रैम टियर इनकाउंटर है। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ चलते हैं। मिस्टिक गेटवे आई थिंक ये वाला ज़्यादा पास रहेगा। ठीक है फिर। थोड़ा सा लंबा रास्ता लेना पड़ेगा हमें। Okay, I know I saw some. I saw two. Freya did say the Jotunheim Realm Tower was missing from the lake. But maybe only kind of? Very strange indeed. यहाँ पे लास्ट टाइम एनिमीज थे। एक गया, हेल्थ लेते वापस। फाइनली अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। हो गया।
दैट्स इट, बस यही था। नहीं यार, अच्छा ऊपर एक रैम रंग काउंटर है, उसको भी करते हैं। ठीक है, अब इस रेलम एनकाउंटर का भी करते हैं काम खत्म। गया कोई बात नहीं, अरे यार अच्छा है मेरे पास रिजरेक्शन स्टोन था एक। और अब हरा दिया, एक ये सब काफी खुश मिजाज दिख रहा है मैं। ओके और क्या क्या है यहाँ पे, ये एरिया हो चुका है पूरा। ओके सो अब हमें चलना चाहिए यहाँ पे, क्या है रेमटी एनकाउंटर और एक यहाँ पे है रेमटी एनकाउंटर, उसके अलावा एरियाज देखते सारे सारे। सो आयरन कर्फ हो गया है, आयल ऑफ डेथ हो गया है, हाँ यहाँ चलते हैं। सो हमें चलना चाहिए ये री जगह, यहाँ पे चलना चाहिए हमें। सो सबसे पास रहेगा एल्फाइन टावर या फिर सीधा डॉक भी कर सकते हैं, ठीक है।
ओके सो हमें जाना था यहाँ पे। हम काफी डिसेंट एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। रेंटी एनकाउंटर्स जो है उसके अंदर बेसिकली हमें क्या करना होगा, अपने हमें अपना रेज मीटर फुल करके सबसे पहले अटैक करना होगा, उसके बाद फिर एक बार आउट होने के बाद रिजर्वेशन स्टोन की मदद से दोबारा से रेज मीटर फुल करके फिर अटैक करना होगा, उसके बाद जाकर ही हम कुछ कर पाएंगे। ये पूरा प्रोसीजर रहेगा। नहीं यार यहाँ नहीं चलते, पहले एक और जगह थी क्लिफ्स ऑफ द रेवन आई थिंक। हाँ ये जगह है वो जहाँ पे हमें वो मिला था, ये वाली जगह जहाँ पे हमें चलना चाहिए। ये तो बाद में करेंगे, ये बड़ा एरिया शुरू हो जाता है। This is where the tower to Jotunheim should be. Feels strange somehow. No doubt some arcane magics were involved. I would be not at all surprised to learn you are sensitive to that. Okay, अब देखते हैं क्या-क्या चीजें हैं यहाँ पे। मुझे जैसे कि ये दिख रही। अब नहीं, इधर कुछ नहीं कर सकते हम। यहाँ पे एक चेस्ट है, और क्या क्या है यहाँ पे। सो हमें पूरा घूम के उसको लेना पड़ेगा यहाँ से, आई थिंक यहाँ से उस साइड से। नहीं अभी यहाँ से एक्सेस नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक नॉनी चेस्ट भी है, और क्या क्या है यहाँ पे। हमें एक प्रॉपर तरीका ढूंढना पड़ेगा। ओ Okay, और क्या क्या यहाँ पे। ओ भाई ये क्या हुआ। ओके सो आई थिंक यहाँ से ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले हमें, अच्छा यहाँ से उतरते सीधा।
उस साइट पे जो लोकेशन है वो कहाँ से एक्सेस मिलेगा हमें? उस साइट से ही एक्सेस मिलेगा। पहले इस साइड चलते हैं। ये रहा एक्सेस पॉइंट। भाई ये वन हिट किल क्यों है यहाँ पे? यार मुझे पहले यार लंबा सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है फिर काम करते हैं, बैक ट्रैक करते हैं। समझ में तो आ गया मुझे कैसे क्या करना है। गलत बात है, मुझे एक बार वापस जाना होगा, रेजरेक्शन स्टोन खरीदना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आके फिर करेंगे। Here's something I can't figure out. Odin wants to prevent Ragnar, but the serpent's already been there and seen it. So hasn't he already failed? Fate's a tricky thing, lad. And Odin's just arrogant enough to think he can get the best of it. Fate is another lie told by the gods. Nothing is written that cannot be unwritten. On that, brother, you and the Allfather may just agree. Even if he can't prevent Ragnarok, he still hopes to learn enough details to influence the outcome. Remind me later to tell you about the wolves. Let's get to it. Now what else do I want to tell you?
आप खत्म करते हो उस एरिया को, आपको कोई टेंशन नहीं है। दौड़ते हुए चलेंगे, आने दो। आजा। अरे यार ये गलत बात है। ओके वन लास्ट ट्राई करते हैं, फिर मैं इस एरिया को भी के लिए छोड़ दूंगा। हमें डिफेंस ज्यादा हाई चाहिए इसके लिए। Finally. Finally हरा दिया हमने, finally. भाई साहब बैंड बजा दी। अब हम अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है सारा। यहाँ पर एक है विंड्स ऑफ हेल, लेकिन अब इसको करना कैसे है वो देखना पड़ेगा। ठीक है मैं समझ गया, उसको निकाल के वहाँ लगाना पड़ेगा। ओके अब हमें क्या करना है, एक सेकेंड, इस एरिया के अंदर दो चीज़ें बची हुई हमारी। अब हमें आई थिंक इस जगह कुछ करना पड़ेगा।
सो ऊपर चढ़ते हैं। और अगर मैं सही हूं तो नहीं, मैं गलत हूं। देखते हैं रीस खा सके। नहीं, ये तरीका तो नहीं है। अभी के लिए ये गेट खुला हुआ है। ओके, सो कहना क्या है? ठीक है, सो आई थिंक हमें इस वाले को ओपन करना है। पॉसिबल तो है। कहाँ गया पूरा? भागो जल्दी। हो गया, उससे फायदा क्या हुआ? अब ऊपर चढ़ते हैं। और फिर यहां से एक्सेस लेते हैं। और फिर इसको अध्ययन एफ एन। ठीक है, एक सॉल्व हो गया। तो ये है पी और आर। हो गया, अब आगे क्या करना है? लोकेशन वाइज मे भी हमें इधर उसको ऊपर लेके जाना है। पॉसिबल तो है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। यहाँ बाय चांस कुछ है क्या जिससे हम चेन नीचे गिरा सके? यार मैं वैसे काफी बड़ा गधा हूँ, ये मैं कहना चाहूंगा। तो फिर हमें क्या करना है? असल में यहाँ से हम आगे जा सकते हैं। मैं बेवकूफ हूँ, इस एरिया को मैंने क्लियर ही नहीं किया।
ऑफन यहाँ से, बस एक सिंपल सा हमें चाहिए था आर। ठीक है, और क्या क्या यहाँ पे? ओके अब क्या करना है हमें ये देखना पड़ेगा, हमें बाहर लेके जाना है उस जगह पे। सो यहाँ से हम जा सकते हैं क्या? नहीं, वहाँ से लेके हमें जाना होगा। यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं और उसके बाद हमें यहाँ से सीधा हम लगा सकते हैं कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता, वहाँ लगाना होगा। ठीक है, और अब नीचे चलते हैं। और यहां से खुल गया। ओ, ग्रिप्स ऑफ द कर्स्ड फ्लेम, नाइस। इसी के साथ ये छोटा सा एरिया भी कंप्लीट होता है पूरा, और अब हमें चलना चाहिए आगे। पहले ब्रॉक के पास चलते हैं और जो भी आर्मामेंट्स वगैरह कुछ भी अगर अपग्रेड कर सकते हैं तो वो करते हैं। Sort you out. Another time, then. What's it gonna be this time? सारी चीज़ें अपग्रेड पे चेक करते हैं, क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं। ओ, ये हम अपग्रेड कर सकते हैं। सो एक सेकेंड, यहाँ पे हमें चाहिए होंगे 6, यहाँ पे हमें चाहिए होंगे 4, और यहाँ पे हमें चाहिए होंगे, यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। ठीक है, सो और इधर ऑब्लिवियन स्टोन,
इधर अपग्रेडिंग अनस्टेबल ओर एंड अपग्रेडिंग सिंडर्स तालिस्मान के अंदर. अच्छा ठीक है, प्योर एसेंस ऑफ द रेम्स. तो एक काम करते हैं, इन तीनों को अपग्रेड, इसको अपग्रेड करते हैं. और अब हमें चाहिए होगा ट्रैवलर्स आर्मर शार्ड. +2 +2 +5 इसको अपग्रेड करने पे क्या मिलेगा हमें? +2 +7 +4 मेरे ख्याल से ये ही बेटर रहेगा अभी के लिए. और एक सीन आखिरी वाला क्या है? +1 +1 +3 +, ये वाला सही रहेगा. ओके नाइस. और मेरे ख्याल से अभी कुछ करने का फायदा नहीं है. तो उसी के साथ में एक बार स्किल्स पॉइंट्स वगैरह एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ. ऐसा सच कुछ भी नहीं है जो भी हम कर सकते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कौन सा एरिया बेस्ट रहेगा. अब स्टार्टिंग से चालू हो जाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं. ओके सो यहाँ पे एक वो था ना हिडन चेम्बर, उसको अनलॉक करते हैं. और एक बार देखते हैं यहाँ पे वाइल्ड वुड्स के अंदर हमें मिस्टिक गेटवेज एक खोलना है और दो अनडिस्कवर्ड है वो देखने हैं. सो यहाँ पे चलते हैं. लेकिन तरीका क्या था? वहाँ से हो गया. और क्या क्या है यहाँ पे? अब हमें कहाँ जाना है? Focus up, boy. Ready and wait.
ओके और क्या क्या है यहाँ पे? वो रहा हिडन चेम्बर ऑफ ओडिन। तुम यहाँ से शुरू करते हो, सारे एरियाज कंप्लीट करते हुए चले गए। हो गया। Next to Mother's garden this whole time. No wonder we can never get in there. Okay, so हमें चेक करते हुए चल रहे हैं ओडिन्स रेवन के बारे में। अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पे एक ओडिन्स रेवन दिखेगी हमें। हैक सिल्वर, ये तो नेक्स्ट एरिया शुरू हो जाएगा। हेल्थफुल कर लेते हैं। ओ डरा दिया। नीचे भी कुछ है यहाँ पे। ओ ये मेरी गलती है, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा यहाँ पर रिजेक्शन स्टोन। ओके फिर नीचे वाले को हराते पहले। Atreus, to me. लेवल 7 है ये। हरा दिया। It is over. तब भी यहाँ एक स्पेशल चेंबर क्यों है? ऊपर एक रैलम एनकाउंटर है, वो भी करते हैं। एक से उस साइड से चलते हैं, उस साइड कुछ नहीं है।
ओके सो अगर मैं सही हूँ तो हर जगह ओडिन्स रेवन होती है ऐसे एरियास बॉय में। सर इंटरेस्टिंग आई मे वांट टू राइट दैट डाउन। ओके सो पूरी ओडिन्स रिवर एक्सिल्वर चेस्ट थोड़ा एंगल बिठाना पड़ेगा इस वाले के लिए। मे बी इस साइड ऑलमोस्ट हो गया था। हो गया नाइस। अब वाइल्ड वुड्स के अंदर हमने सब कुछ पूरा कर लिया। एक अनडिस्कवर्ड है जो बेसिकली एक रियल में एनकाउंटर है, वो कर लेते हैं। अरे यार ओके रियल में एनकाउंटर मुश्किल है। एक बार मरने दो। मार मार मार। ठीक है ओके सो वाइल्ड वुड्स ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही स्पार्टन रेंज का इस्तेमाल करेंगे। पहले इधर भागो। कोई बात नहीं। और अब जल्दी से हरा दिया। ये सबसे बढ़िया तरीका है सॉल्व करने का सारी प्रॉब्लम्स। हेलो एक सेकेंड, और भी है क्या? कोई नहीं है। ओ हार्ट ऑफ स्वार्टरहाइम। इसी के साथ हमने वाइल्ड वुड्स पूरा कर लिया है और अब हमें चलना चाहिए नेक्स्ट एरिया के अंदर, द रिवर पास। वहाँ पे दो मिस्टिक गेटवेज रहते हैं, एक नॉनी चेस्ट रहती है। ठीक है तो एक एक करके सारे एरियाज पूरे करेंगे अगली वीडियो के अंदर। सो फिलहाल के लिए वापस चलते हैं, वो हेल्थ ले लेते हैं। वैसे आई थिंक जब मिस्टी गेटवे का इस्तेमाल करते हैं तो हेल्थ रिफिल हो जाती है। ओके सो अभी के लिए यहाँ पे चलते हैं।
Wildwood's Edge. ओके सो ये क्या लोकेशन है? अच्छा ये वाली लोकेशन है ये। अब हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मिस्टिक गेटवेज कौन सा मिस आउट हुआ है हमसे। ये फाफनीर है, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास है 2 out of 3। सो सेकेंड मिस्टिक गेटवे कहाँ पर है? ये वाला माना जाएगा, होम है ये तो। सो वाइल्ड वुड्स के अंदर 2 mystic gateways थे, यहाँ पे टोटल 3 है। दूसरा कौन सा है? ठीक है ये वाला है, लेकिन ये तो लैंड सूजर माइंस है, अजीब है। ये रिवर पास एरिया के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। सो एक काम करते हैं, पहले विचेस केव में चलते हैं। अजीब बात है, एक सेकेंड रुको, रिवर पास के अंदर अभी दिखा रहे कि हमने ऑलमोस्ट सब कुछ पूरा कर लिया, नॉन एज चेस्ट और एक अनडिस्कवर्ड को छोड़ के। ये अजीब ही चल रहा है कुछ। ठीक है फिर पहले चलते विचेस केव के अंदर और इस वाले एरिया को एक्सप्लोर करते हैं पूरा अच्छे से। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, सो ऊपर चलते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया देखा जाए तो। सो जैसे कि ये देखो, इसका क्या हम कर सकते हैं? विंड्स ऑफ हेल, इस पूरे एरिया को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो ये रिवर पास का एरिया माना जाएगा। ये खैर जो भी हो, तो ऐसे के साथ इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम पूरे विचेस केव को पूरा कंप्लीट करेंगे और बाकी सारे एल्फहाइम हो गया, हेलहाइम हो गया, ये सारे एरियाज को कंप्लीट करेंगे पूरा अच्छे से। तो यार इसी के साथ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालता रहूँगा अपने चैनल पे, तुम भी उन्हें ज़रूर चेकआउट करते रहना। और अगर बाय चांस तुम्हें मेरा चैनल पसंद आए तो उसको एक सेकेंड और अगर बाय चांस तुम्हें मेरा चैनल पसंद आए तो
उसको हर जगह शेयर करो, उसको आपकी तरफ फैलाओ। मेरा एक छोटा सा गोल है इस ईयर एंड से पहले 1000 सब्सक्राइबर्स का, मेरी मदद करो उसको पूरा करने का। छोटा सा ही गोल है, ज़्यादा बड़ा गोल नहीं है। तो यार तब तक के लिए इतना ही, एक बार वापस चल के चेक करते हैं विच से बात कर सकते हैं। That's Venom, isn't it? You figured that out, did you? Well, the window looks like Bifrost crystal, and I know that's not what's on the other side of the wall. And, well, it makes you sad. You are wise for one so young. Yes, this is a window to a home I left long ago. But it is only a few. The thing that happened to you in Alphon, you can't leave Midgard, can you? A gift from my former husband upon our separation. Why would Odin trap you in Midgard? Petty cruelty would be reason enough for him. But as with all his rash decisions, he's driven by fear. The Vanir were the greatest threat to the Aesir until our marriage brokered peace. Many of the Vanir now think I betrayed them, the fruits of my sacrifice. To be hated by my own kind. To trap me here is to ensure I can never make it right. तो यार एक छोटी सी स्टोरी के साथ इतना ही। एक सेकंड, सो आई वाज वंडरिंग व्हाई डू यू लिव अंडर अ टर्टल? ही वाज माय फर्स्ट फ्रेंड हियर इन मिडगार्ड। ही ऑफर्ड मी शेल्टर एंड इन रिटर्न आई प्रोवाइड हिम विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ईविल्स ऑफ द फॉरेस्ट। गोल्डन बोर, जायंट टर्टल, यू श्योर हैव सम इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स। See you later. Be safe. तो यार तब तक के लिए इतना ही। सायोनारा।